किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल किसान सेवा, और किसान सेवा में हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके काम की बहुत सारी बातें, खेतीबाड़ी हो, उद्यानिकी हो, मत्स्य पालन हो या कृषि विभाग हो, इसके अलावा शासकीय योजनाओं की तमाम सारी जानकारियों के साथ हम जोड़ते हैं आपको, और इसके लिए हम विभिन्न क्षेत्रों में किसान भाइयों के साथ जाकर चर्चाएं करते हैं, कृषि विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल से जुड़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ आपके अपने मनपसंद चैनल किसान सेवा पर। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं फ्लोरिकल्चर के बारे में। फूलों की खेती करके आप अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। पारंपरिक कृषि की तुलना में फूलों की खेती दिनों दिन बढ़ रही है, और इसके लिए आपको आगे आना चाहिए। सफ़ेद सेवंती, पीली सेवंती, जरबेरा, गेंदा, बहुत सारे फूलों की ऐसी किस्में हैं जिनकी डिमांड लगातार बाज़ार में बनी रहती है। आठनेर ब्लॉक के ग्राम गुनखेड़ के कृषक हैं हनुमंत राव कनाठे। इन्होंने फूलों की खेती को अपनाया और अच्छे तरीके से आज ये खेती कर रहे हैं। तो हम जब इनके फार्म हाउस पर पहुँचे, हालांकि उस समय तक फसल इनकी बहुत हद तक निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने देखा कि वे एक बेहतर तरीके से आधुनिक तकनीक के साथ फूलों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने अपने फार्म हाउस पर एक पॉली हाउस भी लगाया है जिसमें वो फूलों की खेती करते हैं, और लगातार सुबह से लेकर शाम तक वो अपने इन फूलों की खेती पर पूरा ध्यान देते हैं। किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी खेती में नए काम करना है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हमने इनसे बात की है, तो हमने इनसे जाना कि आप कब से कर रहे हैं ये खेती, कैसे आपको इसकी प्रेरणा मिली, इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने इनसे की है। आइए आपको सीधे मिलवाते हैं श्री हनुमंत राव कनाठे से। चल, हम जब बाहर से आ गए जी, पढ़ाई करके और घूम फिर के, कहीं नौकरी का वो नहीं लगा, तो सीधा गांव पहुंच गए। गांव में एक हमारे पटेल साहब है, संजय काले जी, वो उनने भी थोड़ा सा छोटे रूप में चालू किया था जी। तो उनका देख के फिर मैंने उनको बोला कि मैं भी इसको लगाता, बोले हाँ लगाओ, और उनका उनसे रोपे और पौधे वौधे लेके लगाना चालू कर दिया। तो फिर उस दिन से फिर मैं सिर्फ बहुत उसी पे फोकस रहा, तो एक मास्टर टाइप की हो गई। लगभग कितने वर्ष पहले की बात है ये? ये 2001 की बात होगी, आज 18-19 साल करीब हो गए इसमें। अच्छा अच्छा शुरुआत कैसे की आपने? शुरुआत तो एक छोटे से पाव एकड़ से चालू किया था मैंने जी, और पाव एकड़ में ही पहले साल कम से कम 60-70 हज़ार रुपये बन चुके थे उसके। अच्छा 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 कर्नाटक जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि वर्तमान में आपने इसको कितने एकड़ में आपके पास फूलों की खेती हो रही है? अभी मेरा 2.5 से 3 एकड़ रहता है इसमें। अच्छा, एक अभी शासन से मुझे अपना एक पाली हाउस भी बनाने को मिल गया, तो पाली हाउस और बाकी का 2-2.5 एकड़ ओपन में भी रहता है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए फूलों की खेती के लिए? हमारे दर्शक जो किसान भाई हमें सुन रहे हैं उनके लिए बताइएगा थोड़ा सा। ज़मीन तो ऐसा है कि इसमें पानी नहीं पकड़ने को होना, ज़मीन नहीं, जैसा बहुत सारी बरसात हो गई लेकिन 2 घंटे बाद पानी खुल गया तो आप उसमें घूम फिर लो, इस टाइप की ज़मीन चाहिए। पानी पकड़ेगा तो वो बहुत जगह में अपना कोई फूल नहीं होगा, सड़न गलन ये बहुत दिक्कत आएगी। यानी कि जल निकास उसका अच्छा होना चाहिए, और यदि हम उसको विज्ञान की भाषा में कहें जी, तो दोमट, कौन सी मट्टी होनी चाहिए वो बताइए? मिक्स टाइप की रहती है। मिक्स टाइप की, दोमट काली दोनों मिक्स रहे। अच्छा, लेकिन पानी ना पकड़े हो। अच्छा 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 अच्छा, तो इस मिट्टी पर फूलों की खेती आसानी से की जा सकती है। ये जो हमारी वेराइटी है गुलदाउदी की, ये सब उसमें सक्सेस है। कौन कौन सी वेराइटी आप कर रहे हैं अभी? गुलदाउदी की मेरे पास अभी 5 से 6 किस्में हैं, और जिसमें लाल, पीला, नारंगी, वाइट में भी 3 कलर है अपने पास अभी, और जिसमें हिमाचल का, रतलाम और नागपुरी,
ये सभी वेराइटी है अभी अपने पास। अच्छा, ज़्यादातर आप सेवंती? हाँ, सेवंती पे मेन फोकस रहता है, और थोड़ा बहुत ये कलकत्ता का जो गेंदा रहता है उस पर भी रहता है। अच्छा अच्छा, तो हम कैसे, आपने इसके बीज कैसे मिले, आपका रोपा कैसे मिला, आपको कैसे पता चला, थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे। पहली बार तो हमने हमारे जो संजय पटेल साहब से उनसे ले लिया था, लेकिन जैसे जैसे मंडी में जाने लगे तो मंडी में अलग अलग किस्में दिखी, तो फिर उन किसानों से अपना संपर्क हुआ, भाई ये हमारे पास का आप ले लो, आपका हमारे को दे दो, ऐसा विस्तार होते रहा किस्मों का। और अब तो क्या है, नेट और ये वो, तो पुणे बेंगलोर सभी जगह के हम पौधे यहाँ ला के लगा रहे हैं अभी तो। अच्छा, अनुमानित एक वर्ष में आप उसको, आपको कितनी आय हो जाती है फूलों की खेती से? अभी थोड़ा सा कभी मतलब एक एकड़ में अभी एक खर्च आता है 50,000 रुपये करीब अभी हमारे को। अच्छा, तो उसमें 2 लाख भी बनता है, तो 50,000 काट के भी आपको 1.25 लाख रुपये तक बन जाता है एक वर्ष में। एक पहले और ज़्यादा बनता था। अच्छा, लेकिन अब थोड़ी संख्या भी ज़्यादा हो गई है और इसलिए थोड़ा कम। फूलों की खेती पर किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, कौन सी सावधानियाँ रखना होता है? फूलों की खेती में पानी निकासी तो मेन रहता है इसमें, और इसमें जो फफूंद वाला जो रहता है, जड़ का सड़न गलन और ये ब्लाइट जो रहते हैं, मतलब झुलसा टाइप का, वो बहुत जल्दी आता है इसमें। अच्छा 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 अच्छा, पानी की कितनी उपलब्धता होनी चाहिए किसान के पास में फूलों की खेती के लिए? आप बहुत कम में भी इसको कर सकते हैं ड्रिप पे जी। हम लोग तो ड्रिप पे ही करते हैं पूरा इसको जी। गर्मी का पानी वैसे भी हमारे पास कम है, लेकिन ड्रिप से इसको ज़्यादा कर पा रहे हैं जी। और एक बात हम आपसे जाना कि गुलाब वगैरह की खेती के लिए क्या कुछ कोशिश की है आपने? गुलाब के फूल यहाँ पे लगाया था जी, कम से कम 1-1.5 एकड़ में। हाँ, लेकिन मंडी उसके लिए एक घंटे के अंतराल पे चाहिए। अच्छा, मतलब 35 से 40 किलोमीटर के अंदर अपने को मंडी होना, तो गुलाब जरबेरा ये सब सक्सेस है। जरबेरा और गुलाब को मंडी नज़दीक चाहिए जी, बिल्कुल। और सेवंती और अन्य जो वेराइटीज आप कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसका जो रखने का ड्यूरेशन है, ये थोड़ा 8-10 घंटे रख सकते हैं इसको, जब 20-25 घंटे तक भी इसको अपन रख सकते हैं इसको। कैसे आप भिजवाते हैं इसको, नागपुर जाता है आपका फूल? हाँ, ज़्यादा करके नागपुर ही गया, पहले दिल्ली जाता था, हैदराबाद भी गया। अच्छा, लेकिन अभी नागपुर इतनी बड़ी मंडी हो गई कि सब माल यहीं पे खपत हो जा रही है। तो कैसे उसको माल को रखने की व्यवस्था, फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें कैसे होती है? आजकल तो जितने हमारे किसान हैं सभी लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ ले ली है जी जी, तो अपने ही गाड़ी में उसको टोकनियों में पैक करके, कागज लगा के और पैक करके लेके जाते हैं। आपका जो गांव है गुनखेड़, यहाँ पर आपकी प्रेरणा से कितने सारे किसानों ने इस व्यवसाय को अपनाया है? अभी हमारे यहाँ पे कम से कम 50-55 किसान हो गए अभी जी। और इस साल थोड़ा पानी ज़्यादा होने से बहुत सारे 20% तो किसानों की गुलदाउदी मर गई थी। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी 25-30 लोगों की फिर भी रही है जी जी। अच्छा, तकनीकी मार्गदर्शन आप लोगों को कहाँ से उपलब्ध होता है इसके लिए? अभी तो क्या देखा सीखी से तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी जो नए कृषि विभाग में जो लोग हैं और हॉर्टिकल्चर में, कृषि विज्ञान केंद्र में, ये नए नए जो अभी आए हैं उनसे थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है अभी। पॉली हाउस आपने लगाया हुआ है जी, तो पॉली हाउस का किस तरीके से संचालन आप करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वो भी बताइएगा। पॉली हाउस एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको लगाने से पहले आदमी को उसके जितना वो है उसका ज्ञान जरूरी है, नहीं तो 100 पॉली हाउस में से 10% लोग ही सक्सेस है। वो इसलिए सक्सेस है, उनको उसकी जैसा नॉलेज नहीं रहता और लगा लेते तो फेल हो जा रहे वो। यानी उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। यस, प्रॉपर पहले 2-3 साल तो उसकी ट्रेनिंग लेना चाहिए जी, तो आदमी सक्सेस होगा। और एज ए वो आपकी फैक्ट्री है इस ऐसा करके मानेंगे तो चलेगा। अच्छा कनाटे जी, आपने जब पॉली हाउस लगाया तो आप कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन उस पॉली हाउस में करते हैं? मैंने पॉली हाउस में अपना खीरा ककड़ी हो गया, लौकी हो गया, गिलकी हो गया, करेला हो गया, शिमला मिर्च हो गया, और नीदरलैंड से टमाटर का सीड लेके आया तो वो भी लगाया,
लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अभी फ्लोरिकल्चर में उसको यूज़ कर रहा हूँ। जी जी जी। अच्छा, किसानों को क्या कहना चाहेंगे आप, जो वर्तमान समय में देखिए परंपरागत खेती की तरफ किसान ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा हैं मतलब उसके ऊपर, कुछ ट्रेंड को बदलने की आवश्यकता है क्या यदि किसानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को अपने को बनाए रखना है? जी, मैं मतलब जितने युवा लोग हैं वो इसमें खेती में आएंगे तो फायदा ही होगा, क्योंकि वो जो परंपरागत जो चल रहा है ट्रेड जो बड़े अपने बुजुर्ग लोगों जो कर रहे हैं वो उस टाइप से करेंगे तो घाटे में जाएगा, लेकिन जो शिक्षित वर्ग इसमें आएगा तो अपने एक नए तरीके से कर पाएगा उसको। तो और मतलब गलती तो ये है कि पढ़े लिखों को खेती करना था और जो निकम्मा लड़का रहता था उसको गांव से बाहर नौकरी करने भेजा था बुजुर्गों ने। मैं ये कि कहूँगा कि लोग बोलते हैं कि काम नहीं मिलता, मैं बोलता काम बहुत है, करने वालों की कमी है, काम की कमी नहीं है।